फ्रेंड्स, आज हम आपको इडली बनाना बताएंगे। एक कटोरी हमने सूजी ले ली है और जितनी आप सूजी ले उसका चौथा हिस्सा 1/4 बेसन ले ले। इससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। अगर आप मिलाना चाहे, ऐड करना चाहे तो ऐड कर ले, ना करना चाहे तो आप रहने दें। ये एकदम अलग तरीका है और इससे बहुत टेस्टी इडली बनेगी आपकी। और जो ये अमूल लस्सी हमको लेनी है एक पैकेट, आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखें, थोड़ी बारीक वाली सूजी हो आपकी, मोटी सूजी ना हो, या मीडियम हो तो भी अच्छी बनेगी आपकी। अब इससे धीरे धीरे इसमें मिक्स करें, हमें एक पेस्ट बनाना है इसका। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट एकदम बनेगी आपकी इडली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये सूजी की इडली बनाई है। अब हमें ये पेस्ट तैयार कर लेना है इसका। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, ये देखिए कुछ इस तरीके का होना चाहिए हमारा पेस्ट। अब हम मसाला इडली बना रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करना होगा। अगर आप सांभर के साथ इडली बना रहे हो तो आप नमक को हटा सकते हैं, लेकिन हम मसाला इडली बना रहे हैं इसलिए हम इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे। अब इस पेस्ट को हम 4-5 घंटे के लिए रख देते हैं। अगर आपको जल्दी बनानी हो फटाफट तो आप इसके लिए खट्टी दही जो हो आपके पास तो उसमें ये पेस्ट तैयार करें और बस 15-20 मिनट के लिए आप इसको रख दें, जिससे सूजी हमारी फूल जाए। और फिर उसके बाद आप इसको साथ साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने खट्टी वाली नहीं ली है, मैंने अमूल वाली लस्सी ली है, इसलिए मैं इसको 4-5 घंटे के लिए रख देती हूँ। इसको कवर करके 4-5 घंटे के लिए आप ऐसे ही रख दें। अब हमें इनो लेना है, ये नॉर्मल इनो है लेना है, और इतना चम्मच से, मतलब 1/4 जो हमारी नॉर्मल जो चम्मच है 1/4 उसका हिस्सा इसमें ऐड कर देना और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको ये इनो तब डालना है तब आपको इडली बनानी हो, पहले नहीं डालना है। जिस टाइम आपको बनानी हो वो उसी टाइम आपको ये इनो डालना है। ये हमने हल्दी मिक्स कर ली, अब इसमें से हम दो जगह इस पेस्ट को कर लेते हैं, आधा आधा कर लेते हैं। ये ऐसे आपको ऑयल लगा लेना है अच्छे से, और फिर आपको जो हमने ये पेस्ट बनाया है उसको ऐसे डाल देना। ये हमने सब मॉल में उसको भर लिया पेस्ट को। अब हमने दूसरी तरफ एक बड़े बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, इसको अच्छे से कपड़ा लेके आराम से तब करना है, कहीं आपका हाथ ना जल जाए। और जो हमने इडली भर ली हुई है सांची में जो पेस्ट डाल, उसको धीरे से आपको इसमें रख देना है। मेरे इडली में नीचे स्टैंड है, मुझे इसलिए स्टैंड नहीं लगाना। अगर आपकी इडली के सांची में नीचे स्टैंड ना हो तो कोई स्टैंड रख ले और उसको कवर कर दे, और फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। अब इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब 5 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी इडली को एक बार चेक कर लेते हैं। इस तरह की एक टूथपिक लेनी है आपको और उसको ऐसे बीच में डाल के देखना है आपको। ये देखिए हमारी टूथपिक बिल्कुल साफ निकली है, इसका मतलब हमारी इडली बन गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब ये इस तरीके से पकड़नी है और ये ऐसे निकाल देनी है। देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुई है हमारी, बिल्कुल निकल रही है, बिल्कुल चिपक नहीं रही है। पर ये ध्यान से आप ध्यान से करें, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो कपड़े से पकड़ के तभी करें आप। इस पारे को कवर कर देते दोबारा से, क्योंकि हमें और बनानी है अभी। जो हमने आधा पेस्ट निकाला था, हमने आधा इसलिए किया था क्योंकि जितना हमारे इडली के सांचे में आता है उतने ही पेस्ट में आप इनो मिलाएं। ये नहीं कि आपको ज़्यादा बनाने हैं और आप सारे पेस्ट में एक साथ इनो मिला लें, ऐसा बिल्कुल ना करें, वरना आपकी इडली एकदम परफेक्ट नहीं बनेगी। अब हमने आधा निकाल लिया था तो उतना ही इनो चम्मच में लें
और जैसे पहले हमने मिक्स किया था उसी तरीके से मिक्स करके जो हमारा इडली का सांचा था जिसमें हमने अभी इडली बनाई थी उसी में, उसको धोना नहीं है, उसी में आपको दोबारा से ऑयल लगा देना है जो भी आप खाते हो अच्छे से। और फिर उसी सांचे में आप दोबारा से इडली पेस्ट जो है वो डाल ले। अब इसको भी हम डाल देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम घड़ी में देख के 5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे इसको पकने में, मैक्सिमम बिल्कुल एग्जैक्ट ही है 5 मिनट ही लगेंगे, इससे ज़्यादा आपकी इडली को टाइम नहीं लगेगा। आप घड़ी में 5 मिनट देख लें उसके बाद चेक करेंगे तो एकदम परफेक्ट आपकी इडली निकलेगी। अब 2 चम्मच हमें ऑयल ले लेना है जो भी आप खाते हो उसमें, गर्म होने के बाद राई डाल दें, 1-2 हरी मिर्च डाल दें। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड कर देते हैं। ये मैंने एवरेस्ट का सांभर मसाला लिया है, इससे इडली आपकी मसाला इडली बनाए तो ये जरूर डालें, इससे टेस्टी बनती है आपकी इडली। एक चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च, ये कलर के लिए तीखी नहीं होती है, आप खाते हो तो डालें, ना खाते हो तो ना डालें। और हल्का सा नमक, फ्लेम को आप स्लो ही रखें और अब इसमें अपनी इडलियाँ धीरे धीरे डाल दें। मैं आपको एक इडली दिखा देती हूँ, हमारी इडली कितनी स्पॉन्जी और ये देखिए कितनी परफेक्ट अच्छी बनी है हमारी। अब इसको मसाले में अच्छे से कवर कर दें। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो कड़ी पत्ता ज़रूर डालें, मेरे पास नहीं था, सूखा कड़ी पत्ता है इसलिए मैं ऊपर से हल्का सा डाल रही हूँ इसमें, और ज़रा सा धनिया। अब ये हमारी इडली रेडी हो गई है, अब आपको दिखाते हैं हम निकाल के। हमारी मसाला इडली रेडी हो गई है, इसको आप चटनी के साथ, सॉस के साथ, जिसके भी साथ, चाय के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे खाएं, बच्चे बड़े सब बहुत खुश होकर खाते हैं। और आइए अब अपने लड्डू गोपाल को इसका भोग लगा देते हैं।